हाँ चल तो कैसे बस मैं मुकेश आ चुका नए एवं टेस्टिंग बॉडी मोशन के साथ मैं हूँ। मेरे पास ना एक पोको M6 प्रो गाइस ये देखते काफ़ी कमाल धमाल फ़ोन जो कि भाई अभी 5 अगस्त को यहाँ पर लॉन्च हुआ। इसका फर्स्ट सेल भाई 10 अगस्त को था, मैंने खट से इसको भाई बाय किया। 9 या 10 अगस्त को इसका फर्स्ट सेल था भाई। ये जो पोको M6 प्रो है ना ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है यार, मतलब इसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो चलो चलते हैं इसका फुल एकदम कमाल धमाल वीडियोस आपको दिखाते हैं, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है गाइज मेरे पास में पोको M6 प्रो जिसका बॉक्स भाई फटाफट हम करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं हमें डब्बे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सीधा सिंपल डब्बा है भाई साहब, यहाँ पर फ्लिपकार्ट वालों ने कोई बिल तक नहीं दिया यार इसके अंदर, और यार सीधा साधा एक फ़ोन का डब्बा दे दिया है और डब्बा खोल यहाँ पर हो चुका है। डब्बा में भैया फ़ोन है, डब्बे की तीनों सील को करते हैं हम ब्रेक और यहाँ पर आ गए आपसे करते हैं बात। अब डब्बा काफ़ी प्यारा सा है, पीला डब्बा है भाई साहब पूरा, यहाँ पर आप देख ही सकते हो काफ़ी कमाल कमाल से फीचर इन्होंने हाईलाइट करके रखे हैं अपने फ़ोन को जल्दी से जल्दी बेचने के लिए। हालांकि यार सेल तो इसका पूरा ख़त्म हो ही चुका है फर्स्ट सेल, लेकिन यार फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की है, मतलब सील पैक्ड है एवं स्नैपड्रैगन 4 Zen 2 के अंदर ये हमें देखने को मिलता है जो कि यार काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्लस मैं बात करूं यार इसके डब्बा खोल की, तो डब्बा खोल एकदम बड़ा ही सिंपल सा है, तीनों सील्स को किया ब्रेक भाई मैं भूल गया और 2 सील को मैंने ब्रेक किया, 3रा सील मैंने ब्रेक नहीं किया। और ये मैंने यार मतलब सेविंग करने वाला एक मुझे मतलब कैंची मिला तो मैंने यार इसी को यूज़ कर लिया कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर सीधा डब्बा खोल भाई हो चुका है। और अब हम बात करते हैं डायरेक्ट फ़ोन की, फ़ोन से पहले भाई थोड़ा और वेट कर ही लो यार क्योंकि यार थोड़ा और ट्विस्ट सा हो जाए। तो ये एक प्लास्टिक की पन्नी में, यार पन्नी प्लास्टिक की होती है सॉरी, तो पन्नी में प्लास्टिक फ़ोन में यार क्या बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक कवर भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा कवर है। आपको ये 300-400 रुपये का बाज़ार में मिल जाएगा, शायद वो भी नहीं मिलेगा। और एक 22.5 वाट का चार्जर, अभी पता नहीं 22.5 वाट का चार्जर क्यों दिया है। और ये A2 Type-C केबल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। प्लस भाई साहब और कुछ इसके अंदर है नहीं, अब सीधा बात करते हैं फ़ोन की। तो फ़ोन से पहले भाई चार्जर में 22.5 वाट का चार्जर देने की क्या ज़रूरत थी भाई साहब, ये 18 वाट का चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो पता नहीं मतलब किस तरीके से उन्होंने क्या देख दाग करके। लेकिन फ़ोन भाई काफ़ी मस्त लग रहा है, एकदम काफ़ी प्यारा दुला रहा है, प्रीमियम फ़ोन लग रहा है भाई साहब। ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये कोई 11,000 रुपये का फ़ोन है भाई, बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन मस्त यार कमाल है कर दिया भाई पोको वालों ने, मतलब मैंने बाज़ार के अंदर भाई पूछा था कि भाई 11,000 में कोई 5G फ़ोन है तो बता दूँ, लेकिन भाई साहब उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोला यार 11 में कोई नहीं मिलेगा, बस 13 से शुरुआत है 5G की। लेकिन भाई साहब हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ पर सीधा मुझे भाई वीडियो दिखा किसी का, मैंने फटाफट सेल से निकाल लिया। तो भाई साहब यार इसका जो हमें देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 13 और हमें यहाँ पर MIUI 14 देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी एकदम मक्खन सा। हालाँकि काफ़ी सारे हमें इसके अंदर वाई डिफ़ॉल्ट ब्रॉडवेयर देखने को मिले, बहुत सारे मतलब 8 से 10 गेम भाई मैंने इसके अंदर देखने को मिले और मैंने फिर भाई इसको अनइंस्टॉल करे। यार सच बताऊँ तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका फुल HD+ का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी मस्त लगा मुझे यार, मतलब इस 11,000 रुपये में यार मतलब फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, 5G फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, 90Hz का हमें इसका सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। इसका भाई डिस्प्ले काफ़ी मक्खन है, कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वेरिएंट है वो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है और एंड्रॉयड 13 के ऊपर हमें देखने को मिलता है MIUI 14 के साथ में। और भाई इन्होंने काफ़ी प्रॉमिस भी किए हैं कि भाई हम यार मतलब 3-4 साल तक तो इसका अपडेट देते रहेंगे, मतलब कि फ़ोन की ऐसी तैसी करते रहेंगे, मतलब यार अपडेट करने के बाद फ़ोन का तो नाश हो ही जाता है एक प्रकार से, लेकिन ठीक है अच्छा है भाई एंड्रॉयड अपडेट्स आते रहेंगे। कैमरा ठीक ठाक है, 11,000 की प्राइस को लेकर भाई काफ़ी अच्छा है, 50+2 MP का हमें कैमरा देखने को मिलता है जो कि कुछ सैंपल्स हैं जो कि आप देख ही लेना, कुछ खास तो नहीं है लेकिन हम फिर भी यार 11,000 रुपये में यार इतना अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा 8 MP का जो कि कोई काम का तो है नहीं, लेकिन अब दिया है तो
भाई उखाड़ करके फेंक तो सकती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है फ़ोन है पोको एम सिक्स प्रो 11,000 में, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, कैमरा बढ़िया है, डिस्प्ले बढ़िया है, प्रोसेसर भी बढ़िया है देखने को मिलता है इस प्राइस फ़ोन के हिसाब से, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स हमें देखने को मिली हैं। और बात करूँ कुछ और चीज़ों की तो इसके अंदर हमें 1080p 30fps में हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फ्रंट में भी हम 1080p 30fps का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रो मोड में एक 50 मेगापिक्सल का एक रेक्स देखने को मिल जाएगा जिससे डायरेक्ट आप 50 मेगापिक्सल का फ़ोटो खींच सकते हैं। मतलब कि ठीक है, इस प्राइस फ़ोन के हिसाब से काफ़ी प्यारा फ़ोन है, 5G के 5 बैंड देखने को हमें मिल जाती हैं। साउंड थोड़ा सा मुझे स्लो लगा है, मैंने इसको टेस्ट किया था यार, ये ब्लॉटवेयर साले ऐप्स काफ़ी सारे भर भर कर दिए हैं। साइड में यार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और भाई साहब यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो देखकर ऐसा लगता है कि मैं कोई 11,000 का फ़ोन का मतलब स्मार्टफोन नहीं है मेरे पास, कोई प्रीमियम है वन प्लस का नोट CE2 जैसा इसका लुक है। और ये जो काला काला आपको जो दिखना है ये यार स्किन की तरह कभी कभी काम करता है मिरर की जैसा, और काफ़ी अच्छा सेट ऑफ डिज़ाइन है, काफ़ी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन दिखाई देता है हमें। इसके अंदर काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, डिस्प्ले में बढ़िया है, कैमरे में भाई बढ़िया ही हैं, और बैटरी में तो 5000mAh का बैटरी को भी देखने को मिलता है, 18W का फास्ट चार्जिंग है भाई, काफ़ी कमाल फ़ोन है, मुझे काफ़ी प्यारा लगा ये 11,000 की प्राइस में। गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर ये फ़ोन आपको चाहिए तो भाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहो, राम राम।